बड़ी जानकारी दे दे आपको करनाल के घरौंडा से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने मंडी का निरीक्षण किया है। और सीएम मनोहर लाल ने मंडी का निरीक्षण किया घरौंडा से, बड़ी जानकारी। मंडी में गेहूं खरीद प्रबंधों का जायजा लिया कि गेहूं की खरीद किस तरीके से हो रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं और उनके साथ में तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि खरीद किस तरीके से चल रही है। घरौंडा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। सीएम मनोहर लाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। करनाल के घरौंडा से तस्वीरें सामने आई है जहां पर मंडी में जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। गेहूं की जो खरीद जो चल रही है, सरकारी खरीद गेहूं की किसानों के लिए, अब देखना होगा कि कब तक खरीद होती है, कब तक किसानों को उनका पैसा मिलता है। सीएम मनोहर लाल पहुंचे करनाल के घरौंडा में और जायजा लेते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं घरौंडा से सीधी तस्वीरें, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने मंडी का निरीक्षण किया और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम मनोहर लाल की, जहां पर सीएम मनोहर लाल करनाल के घरौंडा क्षेत्र में अनाज मंडी में जायजा लेने के लिए पहुंचे। बता दें कि सरकारी खरीद गेहूं की शुरू हो चुकी है और ऐसे में किसानों के लिए एक अच्छी खबर भी की, क्योंकि किसानों की फसल को बेहद नुकसान हुआ, उसके बाद अब सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं करनाल के घरौंडा में जायजा लेने के लिए कि जिस तरीके से खरीद होनी चाहिए वो हो भी रही है या नहीं। जायजा लिया कि किस तरीके से खरीद हो रही है, किसानों को क्या कुछ दाम मिल रहे हैं और क्या कुछ फायदा किसानों को हो रहा है, जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। खरीद का जायजा लिया, गेहूं की जो खरीद चल रही है, सरकारी खरीद सरकार की तरफ से की जा रही है, तो जायजा लेने के लिए सीएम मनोहर लाल घरौंडा पहुंचे थे, जबकि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही समय पहले की ये तस्वीरें घरौंडा अनाज मंडी की। हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर। हिमांशु नारंग, देखिए सीएम मनोहर लाल घरौंडा पहुंचे हैं करनाल के घरौंडा में अनाज मंडी में जायजा लेने के लिए, क्या कुछ ताजा अपडेट? हाँ देखिए, औचक निरीक्षण किया क्योंकि वो पानीपत से करनाल के लिए निकले थे। करनाल में उनका एक निजी कार्यक्रम है और घरौंडा वो रुक गए। उनके साथ हरविंदर कल्याण जो घरौंडा से बीजेपी के विधायक हैं वो भी मौजूद रहे। किसानों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देना चाह रही है सरकार, क्योंकि एक तरफ मुआवजे की बात की जा रही है कि खेतों के अंदर जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलेगा और उसकी लगातार गिरदावरी करवाई जा रही है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या आ रही है वसंत की, जो गेहूं खरीद होती है वो 12 के मॉइस्चर पर होती है, यानी कि नमी 12 होनी चाहिए। अगर 13 नमी होगी, 14 नमी होगी तो फिर जो समर्थन मूल्य है 2125 उसमें से कट लग जाएगा क्विंटल के हिसाब से। ऐसे में किसान अपील कर रहा है प्रशासन से, सरकार से कि 15 मॉइस्चर तक आप गेहूं की खरीद कीजिए, क्योंकि बारिश हुई, बारिश के कारण गेहूं गीली हो गई और लगातार गेहूं का जो दाना है वो काला पड़ रहा है। और नमी ही एक ऐसा मापदंड होता है जिस पर हैफेड, वेयर हाउस और फूड सप्लाई जो खरीद एजेंसियां हैं वो गेहूं खरीदती हैं। तो सरकार के सामने बात रखी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने खुद बात रखी है आढ़तियों ने, किसानों ने, कि मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और उस पर खरीद की जाए। हालांकि आश्वासन जरूर दिया है क्योंकि जो वेयर हाउस है वो केंद्र सरकार की खरीद एजेंसी है, वही मापदंड तय करती है कि हमने कितने मॉइस्चर पर गेहूं की खरीद करनी है। तो वहां से परमिशन मिलेगी, उसके बाद हरियाणा सरकार उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। तो एक आश्वासन जरूर मिला है किसानों को और जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल और बाकी तमाम सरकार के मंत्री अलग अलग अनाज मंडियों में जा रहे हैं, उससे ये जरूर लग रहा है कि सरकार खरीद को लेकर, गेहूं की खरीद को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम मनोहर लाल ने मंडी का निरीक्षण किया और घरौंडा पहुंचे, जायजा लिया जो सरकारी खरीद हो रही है।